मुंबई में हल्की हल्की सर्दी पड़ना शुरू हो गई थी। 16 नवंबर 1991 की सुबह बांद्रा वेस्ट के पुलिस ऑफिस में खामोशी पसरी हुई थी। तभी उस खामोशी को तोड़ती हुई फोन की घंटी बजनी शुरू हो गई। वहां मौजूद एडिशनल कमिश्नर आफताब अहमद खान ने फोन उठाया। कुछ देर हाहू में बात करने के बाद उन्होंने फोन रख दिया। एसीपी खान को टिप मिली कि एक गैंगस्टर जिसने मुंबई में आतंक मचा रखा है अपने साथियों के साथ लोखंडवाला की एक इमारत में देखा गया है। एसीपी खान ने अपने कुछ आदमियों को इस बात को कंफर्म करने के लिए भेजा। उन्होंने पता लगाया कि लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स की स्वाति बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 2 और 3 में कुछ लोग छुपे हुए हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मुंबई के पुलिस कमिश्नर एस राममूर्ति के पास पहुंचाई गई। उनको बताया गया कि दोनों फ्लैट दाऊद से जुड़े गैंगस्टर गोपाल राजवानी के हैं और जो गैंगस्टर अपने साथियों के साथ इन फ्लैटों में छुपा हुआ है वो है दिलीप बुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दया है। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मुंबई अंडरवर्ल्ड में कई ऐसे गैंगस्टर थे जो बहुत ज़्यादा खतरनाक तो थे लेकिन उनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। ऐसा ही एक गैंगस्टर था दिलीप बुआ। मुंबई के कांजूर मार्ग में 1966 में जन्मे दिलीप बुआ का बचपन अपराधियों की संगत में ही बीता था। कांजूर मार्ग से कुछ ही दूरी पर घाट कोपर का इलाका था जिसे मुंबई के माफियाओं का ठिकाना कहा जाता था। दिलीप बुआ थोड़ा और बड़ा हुआ तो चोरी और लूटपाट करने लगा। इसी बीच उस पर ब्रा गैंग के रमा नाइक की नज़र पड़ी और रमा नाइक ने दिलीप बुआ को अपने गैंग में शामिल कर लिया। साल 1984 तक दिलीप बुआ मुंबई का सबसे बड़ा शार्प शूटर बन चुका था। उसके निशाने को देखते हुए रमा नाइक ने उसे अपना बॉडीगार्ड बना लिया। लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। दोनों के बीच कुछ अनबन हुई और दिलीप बुआ दाऊद के साथ मिल गया। रमा नाइक और दाऊद गैंग में पुरानी दुश्मनी थी क्योंकि रमा नाइक और एक तरह से बड़ा गैंग के ही हिस्से अरुण गावली ने दाऊद को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। दाऊद किसी भी तरह इन दोनों को ख़त्म करना चाहता था। दाऊद इब्राहिम के कहने पर छोटा राजन ने दिलीप बुआ को जिम्मेदारी दी कि वो रमा नाइक को ख़त्म कर दे। दाऊद को लगता था कि दिलीप पहले रमा नाइक के साथ रहता था इसलिए वो इस काम को आसानी से निपटा देगा। एक दिन दिलीप बुआ ने रमा नाइक पर हमला किया लेकिन वो इस घातक हमले में बच गया। फिर एक समय ऐसा भी आया जब दाऊद और छोटा राजन देश छोड़कर भाग गए और दोनों दुबई में बैठकर डी कंपनी चलाने लगे। साल 1988 में रमा नाइक को एनकाउंटर में मार दिया गया। इसके बाद दिलीप बुआ जोशी गैंग में शामिल हो गया लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अशोक जोशी को एक गैंग वार में मार दिया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि अशोक जोशी को रास्ते से हटाने के लिए दिलीप ने ही टिप दी थी। इसके बाद दिलीप ने दाऊद के एक गुर्गे माया डोलस के साथ हाथ मिलाया और दोनों मिलकर अपना एक गैंग चलाने लगे। नाइक और जोशी की मौत के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड में ये दोनों बहुत ज़्यादा तेजी से उभर रहे थे। दिलीप बुआ के बारे में तो कहा जाता था कि एक बार अगर उसकी उंगली ट्रिगर तक पहुंच गई तो फिर सामने वाले को कोई नहीं बचा सकता था। 1988 से 1991 के बीच माया और दुआ इतने ताकतवर हो गए थे कि उन्होंने दाऊद को ही चैलेंज करना शुरू कर दिया।
दोनों ने दाऊद के ऑर्डर्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया और मन माने तरीके से बड़े बिल्डर और कारोबारियों से जम कर फिरौती वसूल करते। इस दौरान दिलीप बुआ हत्या के मामलों में जेल भी गया, लेकिन बाहर आते ही फिर से वही पुराना काम शुरू कर देता। दाऊद को ये बगावत कुछ ज़्यादा ही चुभ रही थी। इसके कुछ महीनों बाद ही पुलिस को दिलीप बुआ की टिप मिली और आ गया एनकाउंटर का दिन। एसीपी खान अपने साथ 3 इंस्पेक्टर और 6 सब इंस्पेक्टर और 7 कांस्टेबल की टीम लेकर लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स पहुंचे। लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स की अपना घर सोसाइटी में एक स्वाति बिल्डिंग थी, जिसमें दिलीप बुआ और उसके साथी छुपे हुए थे। फ्लैट का मालिक गोपाल राजवानी बिल्डिंग के बाहर पुलिस को मिला, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। उन्हें डर था कि अंदर छुपे बुआ और माया सावधान हो जाएंगे। पुलिस वाले वर्दी में नहीं थे, इसलिए राजवानी भी उन्हें नहीं पहचान पाया। इसके बाद पुलिस ने बुआ और बाकी छुपे गैंगस्टर को पकड़ने के लिए प्लान बनाया। फ्लैट के दोनों दरवाजों पर एक एक टीम तैनात की गई ताकि कोई भी फ्लैट से बाहर ना निकल पाए। इसके अलावा एक टीम कवर देने के लिए तैनात की गई। दोपहर लगभग 1 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। इंस्पेक्टर कावी अपने साथ एक सब इंस्पेक्टर को लेकर फ्लैट के दरवाजे पर गए। अंदर टीवी पर फिल्म चल रही थी। उन्होंने दरवाजे को जैसे ही धक्का देने की कोशिश की, तभी अंदर से फायरिंग शुरू हो गई। एक गोली सीधे सब इंस्पेक्टर झुंझर राव के सीने में लगी और एक गोली इंस्पेक्टर कावी के दाहिने हाथ को छूकर निकल गई। इंस्पेक्टर कावी को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद एसीपी अहमद खान ने हेड ऑफिस से और पुलिस बुला ली। दिन दहाड़े एनकाउंटर चलने की ये खबर अब तक पूरे मुंबई में फैल चुकी थी। मीडिया के लोग वहां पहुंच चुके थे और पूरी घटना कैमरे पर रिकॉर्ड की जा रही थी। ये पूरा इलाका एक छावनी में बदल गया था। एसीपी खान लाउड स्पीकर पर अंदर छुपे लोगों से सरेंडर करने को बोल रहे थे, लेकिन अंदर से गोलियां और गालियां बाहर आ रही थी। अंदर छुपे लोगों में से जिसने भी भागने की कोशिश की, वो पुलिस फायरिंग में मारा गया। इन लोगों में दिलीप बुआ और माया डोलस के अलावा 4 लोग और थे। गोपाल पुजारी, अनिल खूब चंदानी, राजू नादकर्णी और अनिल पवार। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने देखा कि उनका अपना एक साथी पहले से दिलीप बुआ के फ्लैट पर मौजूद था। 28 साल का विजय चाकोर यरवदा जेल में सिपाही था। पुलिस ने इसका कोई जवाब नहीं दिया कि एक पुलिस वाला गैंगस्टर्स के साथ क्या कर रहा था। इस एनकाउंटर पर कई सवाल और भी उठाए गए, जैसे दाऊद से दुश्मनी होते ही बुआ और माया इतनी जल्दी कैसे मारे गए। ऐसा तो नहीं पुलिस को टिप दाऊद ने ही दी हो। इन सब सवालों के चलते इस एनकाउंटर को लेकर एक मजिस्ट्रियल जांच बैठी, जिसमें सवाल उठे कि एनकाउंटर करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। पुलिस ने इस एनकाउंटर पर 450 राउंड कैसे खर्च किए। साथ में एक इल्ज़ाम ये भी था कि पुलिस ने बुआ और माया के पास मिले 70 लाख रुपए हड़प लिए थे। एडिशनल कमिश्नर आफताब खान पर भी कई आरोप लगे, लेकिन जांच में पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई। इस एनकाउंटर की वजह से एसीपी खान रातों रात हीरो बन चुके थे। एसीपी खान ने इसका फायदा राजनीति में उठाया और जनता दल की तरफ से चुनाव लड़ा, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। गोपाल राजवानी, जो इस एनकाउंटर में बच गया था, वो शिवसेना में शामिल हो गया, लेकिन कुछ ही साल बाद उसे एक दूसरी गैंग के लोगों ने मार डाला। लोखंडवाला एनकाउंटर पर साल 2007 में एक फिल्म भी बनी, जिसका नाम था शूट आउट एट लोखंडवाला। इस फिल्म में एसीपी आफताब खान का रोल संजय दत्त
माया डोलस का रोल विवेक ओबराय और दिलीप बुआ का रोल तुषार कपूर ने किया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।